आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ में लालबाग के निर्यात भवन के पास में आग लगी हुई है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है पर लालबाग में निर्यात भवन के पास में लगी आग, ODOP बिल्डिंग के पीछे खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लग गई और सरकारी निर्यात भवन में कूड़े के ढेर से ये आग फैली, लेकिन ये आग बढ़कर गाड़ियों तक पहुंच गई और निर्यात भवन की 3 गाड़ियों में फिलहाल आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग को बुझाया है। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सरकारी निर्यात भवन में कूड़े के ढेर से आग फैली हुई है और निर्यात भवन की 3 गाड़ियों में आग लगी हुई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सफी, 2 सरकारी गाड़ियां भी आग की चपेट में हैं, क्या आग पर पूरी तरह से अब तक काबू पाया जा सका है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें हम आग की, तो आग पर तो काबू पाया चुका है। कि अगर बात फायर ब्रिगेड की, 2 गाड़ियों ने बहुत ही मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन सरकारी जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी, जो निर्यात भवन है उसके पीछे कूड़े की ढेर में आग लगी, उससे आग फैली और गाड़ियों में पहुंच गए, जो कि 3 सरकारी गाड़ियां वहां पर खड़ी थी, 2 गाड़ी पूरी तरीके से जलकर खाक हुई। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली है, तो बड़ा हादसा होने से बचाई थी। बिल्कुल, लेकिन आग बताया जा रहा है कि कूड़े के ढेर से लगती है, क्या यहाँ पर इस चीज का ध्यान नहीं रखा गया था? क्योंकि अगर गाड़ियां खड़ी होती तो वहां पर फिर कूड़े में आग क्यों लगाएगी? क्या इसको लेकर अब तक कोई अपडेट है और जिम्मेदार कौन है इसका? बिल्कुल, देखिए वहां पर अगर बात करें तो जो अधिकारी है वहां पर मौजूद है और लगातार छानबीन कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से लापरवाही सामने आई है उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो ये घटना हुई है, जिस तरीके से कूड़े की ढेर में आग लगी, उसके बाद गाड़ियों में आग लगी और आग अगर बढ़ जाती तो निर्यात भवन तक जा सकती थी, जो की बड़ी आग, भयानक आग होती थी, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सफी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अहम खबर आपको बता दें, लखनऊ से यहां पर दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है और भवन की 2 सरकारी गाड़ियां भी जलकर राख हो गई। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, आप देखिए इन गाड़ियों की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग यहां पर इन गाड़ियों में भीषण रूप पकड़ चुकी थी और ODOP बिल्डिंग के पीछे खड़ी गाड़ियां आग की चपेट में आई और कूड़े के ढेर से ये आग फैलती है, जो गाड़ियों तक जा पहुंचती है, जिसके चलते यहां पर निर्यात भवन की 3 गाड़ियां आग की चपेट में आ गई और ये गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। लखनऊ के लालबाग के निर्यात भवन के पास में ये आग लगी थी। तो लखनऊ से खबर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां ODOP बिल्डिंग के पीछे खड़ी गाड़ियों में आग लगी और दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की है और आग पर काबू पा लिया गया है।